दादरी पुलिस की मुठभेड़ हुई है गौकसों से। देखिए, गौकसों ने कुछ दिन पहले यहाँ पे एक घटना की थी, जनपद में एक आध घटना और पहले की थी जिसमें उन सब पे कार्रवाई की जा चुकी है, और उसी में से एक जमील वांटेड था, उसको गोली लगी है। 25,000 रुपया इनाम था उस पर। उसके साथ वसीम और रिजवान, ये दो सातिर गोकस है। वसीम गुलावटी से वांटेड है, रिजवान मेरठ का रहने वाला है और जमील हापुड़ का रहने वाला है। ये पूरा एक बहुत बड़ा गैंग है जो गाड़ियों में छोटे बछड़ों को ले करके जंगल में काटते हैं और वहीं से साफ साफ करके सारा सामान ले जा करके मलवा नहर में डाल देते हैं, इसके बाद जो है मीट को बेच देते हैं। ये आसपास के जनपदों में कई जगह लगातार घटनाएं कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी कुछ दिन पहले इन्होंने किया था, जिसमें पहले भी 3 बदमाशों को गोली लग चुकी है, मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए थे। आज ये पुनः यहाँ पे म्यू क्षेत्र में आए थे। आप देख रहे हैं, दो नए बछड़े, सेंट्रो गाड़ी, छुरा, गणासा, तीन तीन तमंचे, ढेर सारे कारतूस, रस्सी, सिरिंज, इंजेक्शन, ये सारा सामान बरामद हुआ था। पूरी तैयारी के साथ ये आते हैं और ये घटना को अंजाम देते हैं। ये शासन की प्राथमिकता में भी है, पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अभियान चलाया जा रहा है गौकसों के विरुद्ध। उसके लिए हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं, संवेदनशील हैं, और यही कारण है कि लगातार इनके पीछे हम पड़े हुए हैं और इनको नेस्तनाबूद करके छोड़ेंगे। इनके विरुद्ध हम गैंगस्टर और NSA की कार्रवाई भी करेंगे।